ये फ्रंट से व्यू देखिए यहाँ का, जहाँ से एंटर कर रहे हैं हम लोग। यह धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम HPCA। देखिए फ्लड लाइट तो हमें दिख गया यहाँ पर। हम लोग देख रहे हैं गेट नंबर 6 के लिए, वहीं से एंटर करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम टू धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम अंडर HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। फ्रेंड्स, 23,000 कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम एक इकलौता स्टेडियम है पूरे हिंदुस्तान में, जो इतनी खूबसूरती बटोरे हुए हैं और यहाँ तक कि काफ़ी सारे क्रिकेटरों का, इवन रिकी पोंटिंग ने भी माना है दिस इज एज देयर सेकेंड होम। इतना सुंदर जगह है ये और इतना सुंदर इस धर्मशाला का लोकेशन है। यहाँ पे फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच 2013 में खेला गया था, उसके बाद काफ़ी सारे मैचेस खेले गए और IPL T20 क्रिकेट का तो ये बिल्कुल फेवरेट ग्राउंड है। और अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे जो पवेलियन है, ये मेन पवेलियन इस साइड है, वो मैं आपको बाद में उसका व्यू दिखाऊंगा। और जो ये पवेलियन है, इस पवेलियन के बिल्कुल पीछे धौलाधार रेंज है। और अभी तो आज मौसम थोड़ा धुंध है यहाँ पर, तो इतना हमें दिख नहीं पा रहा है, लेकिन अगर देखेंगे तो बिल्कुल सामने ग्लेशियर है यहाँ पर, ऊपर वाइट ग्लेशियर दिखते हैं और धौलाधार रेंज बोलते हैं इसको। और इतना सुंदर यहाँ का व्यू आता है जब भी यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है इस स्टेडियम में, तो टीवी पे मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है कि उस ग्लेशियर का व्यू जरूर दिखाया जाता है टेलीविज़न पे, और मैंने भी काफ़ी बार देखा है एंड आई होप कि आप लोगों ने भी देखी होगी। इस ग्राउंड में जो ये राई ग्रास लगे हुए हैं, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकता है, और अगर ये थोड़े डेड भी होते हैं तो इजीली रिवाइव कर जाते हैं ये। और धर्मशाला में जैसा आप जानते हैं कि टेम्परेचर विंटर्स में, एक्सट्रीम विंटर्स में 0 डिग्री टच कर जाता है, तो -10 डिग्री के नीचे भी ये ग्रास काफ़ी जल्दी अपने आप को रिवाइव कर लेगा, और समर तो यहाँ पे इतनी होती नहीं है, तो इसका यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है। और अभी आप देख रहे हैं काफ़ी मेंटेनेंस वर्क भी चला हुआ है यहाँ पर, और कितना मेंटेन किया जाता है ग्राउंड्स को। और अगर अभी आप देखेंगे तो अभी हम लोग 6 नंबर गेट से इस स्टैंड में आए हैं। इस स्टैंड को विजिटर्स के लिए खुला रखा हुआ है, बाकी सबको बंद किया गया है, क्योंकि मेंटेन रहे, वेल मेंटेन रहे ये। और ये सामने एक पवेलियन है, और मेन पवेलियन यहाँ पे है इस साइड को। और यह स्टेडियम शहर के बिल्कुल ऑलमोस्ट बीचों बीच है, बहुत ही लोकेशन और एक्सेसिबल पॉइंट पे है ये, तो यहाँ पे पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी सी हाइट पे है तो यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे व्यू भी आते हैं। ऐसे सामने आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे ये इन हिल्स धौलाधार रेंज है उसका व्यू, ग्लेशियर्स की व्यू, और पीछे पाइन ट्री के काफ़ी बड़े बंच दिख रहे हैं, और साथ में धर्मशाला शहर है उसका भी व्यू है। और काफ़ी ऊपर जाके उस साइड को हमें मैकलोडगंज भी मिलते हैं, वो ऑलरेडी एक तिब्बतन का फेवरेट प्लेस है। तो ये है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की विशेषताएं। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।